सोल्जर्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में कौन सी सदिश राशियां हैं? तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। तो डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि हम लोग के क्वेश्चन कितने हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पूरे 240 क्वेश्चन का मैं लेकर आप लोगों के सामने महामैराथन लेकर आया हूं, ठीक है ना, जो कि इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम तक चलने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आप लोगों के पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हम लोग अपने क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सी सदिश राशियां हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपके ऑप्शन हैं ए समय, ऑप्शन बी संवेग, या ऑप्शन सी आयतन, या ऑप्शन डी घनत्व। तो जल्दी से आंसर देंगे कि सदिश राशियां कौन सी है। तो देखिए सदिश राशि आप लोगों को पूछे तो ट्रिक के माध्यम से, देखिए स्टार्टिंग में 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो यहाँ से इस तरीके से ये ट्रिक के माध्यम से कि सदिश राशियां संवेग है। देखिए सदिश राशियां संवेग है, और कौन कौन सी सदिश राशियां हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बल है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, कोणीय वेग है, चुंबकीय तीव्रता है, और विद्युत धारा है। ये सब क्या है? सदिश राशियां। और इसके बाद ये जो समय है, आयतन है, ये घनत्व, तो ये क्या हो गया, तो ये अदिश राशियां हैं, ठीक है ना। और अदिश राशियां कौन कौन सी होती है, तो दूरी हो जाती है, चाल, द्रव्यमान, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा, ये सब क्या है, ये आप लोगों के अदिश राशि हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, अगर आप लोगों को याद ना हो तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके एक बार सुन लीजिएगा, आप लोगों को याद हो चुका होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, सदिश राशि और अदिश राशि से एक क्वेश्चन आप लोगों के इंडियन कोस्ट गार्ड सेकंड सेशन में, जो कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो एक नंबर आप लोगों के यहां से बन जाएंगे, ठीक है ना, सदिश राशि और अदिश राशि से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अदिश राशि। देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया, ठीक है ना, जस्ट मैंने अभी बताया कि निम्न में से कौन सी अदिश, अभी अदिश राशि सारा चीज मैंने अभी बताया कि अदिश राशि कौन कौन सी होते, ये आप लोग गलत नहीं करेंगे। देखिए आपके ऑप्शन है ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी बल, या ऑप्शन डी दूरी। तो जल्दी से आप लोग बताएं, देखिए जल्दी से आंसर देंगे। देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये सदिश राशि है, ठीक है ना, ये क्या है, सदिश राशि, लेकिन ये दूरी क्या है, तो ये अदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि, जस्ट मैंने अभी बताया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। देखिए मैं आप लोगों के उंगली के टिप्स पे ये क्वेश्चन याद करवा दूंगा, आप लोग जैसे एग्जाम में बैठेंगे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए सिस्टम में, आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम कर कराएंगे, मेरा वादा आप लोगों से, ठीक है ना। और क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, डेली आप लोगों को मैं करवाऊंगा इसी तरीके से महामैराथन, ठीक है ना, जो कि डेली आप लोगों के 150 से 200 क्वेश्चन के डेली महामैराथन कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो डेली सेशन से आप लोग जुड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को बता दूं ये क्लास पूरे आप लोगों के 3 घंटे चलने वाले, पूरे 3 घंटे चलने वाले हैं, तो 3 घंटे चलने वाले, आप लोग आराम से 3 घंटे तक ये क्लास करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अदिश राशि है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, जस्ट मैंने अभी ये सब क्लियर किया हूं, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए विद्युत विभव, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी चुंबकीय तीव्रता, या ऑप्शन डी बल। तो जल्दी से आंसर देंगे कि अदिश राशि कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो देखिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। और विद्युत विभव क्या है, ये अदिश राशि है, क्या है, विद्युत विभव अदिश राशि है। विस्थापन, चुंबकीय तीव्रता, बल, ये सब क्या है, ये सदिश राशि है, जस्ट अभी मैंने बताया, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को बता दूं कि 240 क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग फास्ट चलने वाले हैं, ठीक है ना, थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, सदिश राशि, ठीक है ना, आज मैं अदिश राशि और सदिश राशि का ये झंझटी में आज खत्म कर दूंगा, जो कि आप लोग आज याद करवाए कहीं छोड़ूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, तो आपके ऑप्शन है ए शक्ति, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी तापमान, या ऑप्शन डी कोणीय वेग। तो सदिश राशि कौन कौन सी है, जल्दी से बताएं सदिश राशि कौन सी है। तो देखिए ये जो कोणीय वेग है, ये जो कोणीय वेग है, ये क्या है, तो सदिश राशि है, ठीक है ना। कोणीय वेग क्या है, सदिश राशि है। और ये तीनों क्या है, शक्ति, घनत्व, तापमान क्या है, तो ये एक अदिश राशि है, ठीक है ना, ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा हम लोग, मैं अभी स्टार्टिंग से बोल रहा हूं मैं कि थोड़ा हम लोग आज फास्ट चलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, 240 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो क्या होगा, ऑप्शन है ए इसकी चाल बढ़ जाएगी, इसका वेग बदलता है,
ऑप्शन सी इसका संवेग स्थिर रहेगा या ऑप्शन डी इस पर बल कार्यरत नहीं होगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे 5 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग जल्दी से आंसर देंगे कि यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत हो तो क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, इसका वेग बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा समीकरण गलत है। देखिए गलत पर आप लोग ध्यान देंगे, सही और गलत, हाँ और ना में यहाँ पर आप लोग ज़्यादा पर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे सही और गलत, हाँ और ये ना में। ठीक है ना, तो निम्न में कौन सा समीकरण गलत है, तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए एस इजकल टू वी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर बी वी इजकल टू म्यू प्लस ए टी, या ऑप्शन सी वी स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इजकल टू 2s, या ऑप्शन डी वी इजकल टू म्यू प्लस ए एस। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वी इजकल टू म्यू प्लस ए एस। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं बार बार कि 240 क्वेश्चन है, 240 क्वेश्चन इसी तरीके से मैं आप लोगों को डेली कराने वाला हूं महामैराथन। ठीक है ना, और हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को टच कर लें। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने क्वेश्चन है, अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाए। तो आपके ऑप्शन है ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, या ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाए। ठीक है ना, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और यहाँ से आप लोग फेंक रहे हैं किसी वस्तु को, तो किस एंगल से आप लोग कितने डिग्री पे फेंकेंगे। ठीक है ना, नीचे से आप लोग किसी वस्तु को ऊंचाई पे फेंक रहे हैं तो कितने डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग आंसर दें जल्दी से। तो देखिए आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ए 90, बी 90 डिग्री। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 8, अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाए। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शन है ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, या ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि अधिकतम दूरी पर, ये दूरी बता रहा है, ठीक है ना, कितने दूर तक हम लोग फेंक सकते हैं। और पहले वाले 7 नंबर क्वेश्चन क्या था कि कितने डिग्री के एंगल पे हम लोग ऊंचाई पे फेंक सकते हैं, तो 90 डिग्री, और ये दूरी पे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण पर फेंका जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। ठीक है ना, आपके आंसर हो जाएंगे 45 डिग्री। ठीक है ना, ये हो जाएंगे आपके 45 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 2 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है आप लोगों का वजन। ठीक है ना, कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लग रहे बल उस वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो उस पर बल का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन का मैं कलेक्शन आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि 240 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है ना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों के 25 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे इससे बाहर मैं नहीं जाने दूंगा। ये 100% मेरा वादा है कि जितना मैं क्वेश्चन आप लोगों को डेली मैराथन कराने वाला हूं, यहीं से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन आप लोग 240 कर देखे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है ना, और इसी तरीके क्वेश्चन डिटो छपेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके ऑप्शन है ए 8 न्यूटन, आप ऑप्शन नंबर बी 4 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 2 न्यूटन, या ऑप्शन नंबर डी 6 न्यूटन। तो जल्दी से आंसर देंगे, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लग रहे बल उस वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो उस पर बल का मान कितना होगा। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 न्यूटन। ठीक है ना, 8 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु पर एक ही दिशा में 80 और 40 न्यूटन के बल लग रहे हैं। ठीक है ना, एक बिंदु पर एक ही दिशा में 80 और 40 न्यूटन का बल लग रहे हैं, तो उसके परिणामी बल का परिणाम न्यूटन में क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए 40, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 80, या ऑप्शन डी
240। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, पीडीएफ आप लोगों को देखिए रिवाइज करने के लिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप शर्मा जी कोस्ट गार्ड में, ठीक है ना, शर्मा जी कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो आप लोग शर्मा जी कोस्ट गार्ड टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, और वहाँ पे आप लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर देंगे कि एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में 80 और 40 न्यूटन के बल लग रहे हैं, तो उनके परिणामी बल का परिणाम न्यूटन में क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120 न्यूटन, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हम लोग थोड़ा फास्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन हम लोग थोड़ा फास्ट करने वाले हैं। देखिए 240 क्वेश्चन में लेकर आया हूं, तो जल्दी से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक बिंदु पर विपरीत दिशा में, देखिए वो क्या कह रहा था, एक ही दिशा में, ठीक है ना, एक ही दिशा में, और इसका आप क्या पूछ रहा, अपोजिट, ठीक है ना, विपरीत दिशा, ठीक है। तो एक ही बिंदु पर विपरीत दिशा में 80 और 40 न्यूटन के बल लग रहे हैं, तो उनके परिणामी बल का परिणाम न्यूटन में क्या होगा। ऑप्शन है ए 40, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 80 या ऑप्शन डी 240। तो जल्दी से आंसर देंगे। जो पहले का जो आप लोगों का मैं बताया था, जो कि इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक ही दिशा में, ठीक है ना, एक ही दिशा में 80 और 40 न्यूटन के बल लग रहे थे, ठीक है ना, तो उसके परिणामी बल कितना हो रहा था 120, और ये इसके विपरीत में पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसके विपरीत में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी वृत्तकार पथ में घूमती है, उस वस्तु का त्वरण क्या है। आपके ऑप्शन है ए स्पर्श रेखा के अनुदिश, ऑप्शन नंबर बी केंद्र की ओर, ऑप्शन नंबर सी परिधि के अनुदिश, या ऑप्शन नंबर डी केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि ये एक वृत्त है, ठीक है ना, और कोई वस्तु क्या हो रहा है, लगातार घूम रहा है, तो क्या ये केंद्र से क्या रहा, केंद्र से ये बाहर निकल जाएगा, या परिधि के अनुदिश रहेगा, या केंद्र की ओर ये झुकी रहेगी, या स्पर्श रेखा की तरफ ये क्या होगा, ये घूमता रहेगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का कि एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि केंद्र की ओर क्या रहेगा, झुका रहेगा, केंद्र की ओर झुका रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने से इनमें से क्रीम अलग हो जाते, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को बता दूं इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अगर कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, पहला नंबर तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, ठीक है ना, और आप लोग खुद से ऑप्शन लगाएं, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आप लोगों के 240 में से कितने आप लोगों के सही होते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोगों को मैं आप लोगों को ऑप्शन दे दूं, आप लोगों के ऑप्शन है ए अपकेंद्रिक बल के कारण, ऑप्शन बी अभिकेंद्रिक बल के कारण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या ऑप्शन सी त्वरण के कारण। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि दूध को मथने से इनमें से क्रीम अलग हो जाते। देखिए इसका एक और क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, जो वॉशिंग मशीन होता है, ठीक है ना, जो वॉशिंग मशीन होते हैं उसमें जो कपड़ा जो इस तरीके से गोल 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 होकर आप लोगों के जो कपड़े जो साफ हो जाते, वो भी क्वेश्चन पूछता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सेम हो जाएंगे, दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दूध को मथने से जो आइसक्रीम निकलता है वो किस कारण, तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ए अपकेंद्रिक बल, और जो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा साफ होता है वो भी आप लोग के अपकेंद्रिक बल के कारण ही होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वृत्तकार कक्ष में परिक्रमा कर रहे कण का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उस पर क्रियारत अपकेंद्रिक बल का मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी चार गुना हो जाएगा, या ऑप्शन डी एक चौथाई हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा कर रहे एक छोटे से कण का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उस पर क्रियारत अपकेंद्रिक बल का मान क्या हो जाएगा। तो आपके जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो देखिए आप लोगों का क्या होगा कि दोगुना कर दिया जा रहा है तो उसका वेग क्या होगा, उसका बल का मान क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग देंगे कि अपकेंद्रिक बल क्या हो जाएगा, जब यहां दोगुना हो रहा तो अपकेंद्रिक बल क्या होगा, चार गुना हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी चार गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, उपरोक्त प्रश्न में कक्ष की त्रिज्या भी आधी कर दी जाए तो अवकेंद्रित बल का मान क्या होगा? ऑप्शन है दुगुना, ऑप्शन बी चार गुना, ऑप्शन सी आठ गुना या ऑप्शन डी आधा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उपरोक्त प्रश्न में कक्ष की त्रिज्या भी आधी कर दी जाए तो अपकेंद्रिक बल का मान क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, चार गुना होगा या आठ गुना होगा या आधा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के आठ गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। त्रिज्या का मान कितना होगा? आठ गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मैं आप लोगों को बता दूं ये क्लास पूरे 3 घंटे चलेंगे, आप लोग मैं बता दूं पूरे ये क्लास 3 घंटे चलेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के 240 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कलेक्शन लेकर आया हूँ, छाट छाट कर मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। और डेली इसी तरीके से 200 क्वेश्चन का मैराथन लेकर आऊंगा मैं, ठीक है ना। और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 25 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, ये मेरा आप लोग से वादा है, ठीक है ना। और पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो क्वेश्चन है 10 मीटर प्रति सेकंड के रेखीय वेग से एक कण 2 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं तो उसका त्रिय त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। आपके ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 200। तो जल्दी से आंसर देंगे 16 नंबर का, कि 10 मीटर प्रति सेकंड के एक रेखीय वेग से एक कण 2 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं तो उस त्रिज्या त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी, ये 50 हो जाएंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं जो फॉर्म इंडियन नेवी का जो आया हुआ है मेडिकल असिस्टेंट का, ठीक है ना, मेडिकल असिस्टेंट का जो आया हुआ है, जिनके सिलेबस में ऑलरेडी अपने यूट्यूब कम्युनिटी में डाल चुका हूं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं आप लोग को बता दूं कि इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट के लिए तो ये इनफ है, ठीक है ना। जितना मैं क्वेश्चन अभी मैराथन कराने वाला हूं भौतिकी यानी फिजिक्स का, उनके लिए इनफ है, ठीक है ना। रामबाण है, मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये मेडिकल, इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट वाले इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही लाभदायक है उनके लिए, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट के लिए। और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन है, 2 कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक ही कक्ष पर चक्कर लगा रहे हैं, यदि एक का द्रव्यमान बी से दुगना हो तो क्रमशः उनके वेग का अनुपात क्या होगा? जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर ए 4:1, ऑप्शन नंबर बी √2:1, ऑप्शन नंबर सी 1:1, ऑप्शन नंबर डी 2:1। 2 कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है ना, पृथ्वी के चारों ओर कक्ष पर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना, कक्ष पर चक्कर लगा रहा है। एक का द्रव्यमान बी के दोगुना है, एक का द्रव्यमान बी के दोगुना है, ठीक है ना, एक का द्रव्यमान जो है बी का दोगुना, अगर बी एक है तो ए क्या है? 2 है, ठीक है ना। तो क्रमशः उनका वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती है क्योंकि, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को ये पता होगा, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट को पता होगा कि रोफ से यानी छत से अगर किसी वस्तु को निर्वात में गिराया जाए तो दोनों एक ही समय पर पृथ्वी पर यानी जमीन पर गिरती है, इसका कारण क्या? तो देखिए आपके ऑप्शंस है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तुएं पृथ्वी पर एक ही साथ पहुंचते हैं क्योंकि, ऑप्शन है ए उनका वेग भिन्न भिन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है या ऑप्शन नंबर सी उन पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होगा या ऑप्शन नंबर डी उन पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान असमान होगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है,
बल का मात्रक नहीं है तो सभी कोई जानते होंगे, इजी है क्वेश्चन। ए पाउंडल, ऑप्शन नंबर बी डाइन, ऑप्शन नंबर सी जूल या ऑप्शन नंबर डी। तो बल का मात्रक कौन सा नहीं है जल्दी से बताएं, बल का मात्रक कौन सा नहीं है तो जूल, ठीक है ना। ये जूल किसका है, कार्य का, ठीक है ना, ठीक है। और बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक गतिमान वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, यानी उसका वजन आधा कर दिया जाए, तो कार्यरत बल का मान दोगुना कर दिया जाए, तो उस वस्तु में त्वरण अब पहले की अपेक्षा क्या होगा, चार गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी आधा हो जाएगा, या ऑप्शन डी चौथाई हो जाएगा, यानी एक चौथाई, ठीक है ना। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, ठीक है, कि एक गतिमान वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और कार्यरत बल का मान दोगुना कर दिया जाए, तो उस वस्तु में त्वरण अब पहले से क्या रहेगा। तो ऑप्शन हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे आप लोगों के, कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चार गुना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं फिर से, क्वेश्चन की संख्या 240 है, जो कि 3 घंटे पूरे क्लास चलने वाले हैं। डियर सोल्जर्स, मेरा आपसे एक ही एक वादा, डियर सोल्जर आपसे मेरा एक ही एक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी उसके वेग में सदैव वृद्धि नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, या ऑप्शन नंबर डी उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। देखिए डियर सोल्जर्स, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, ठीक है ना, एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें, ठीक है ना, ताकि अपने दोस्तों को भी आप लोग भला कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस पर कार का त्वरण क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी 0.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाते तो उस कार का त्वरण क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है 23। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम यह क्या कह सकते हैं किसी वस्तु का, तो ऑप्शन नंबर ए शून्य वेग से चलती है, ऑप्शन बी त्वरण अचर है, या ऑप्शन सी अचर चाल से चल रही है, या ऑप्शन डी का वेग एक समान है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमण अनुपाती होती है तो हम यह कह सकते हैं कि वस्तु, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि वस्तु ऑप्शन नंबर सी वस्तु क्या रहेगी, अचर चाल से चल रही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हो जाए 24। आवेग को व्यक्त करते हैं ऑप्शन नंबर ए बल इनटू समय, ऑप्शन नंबर बी बल इनटू दूरी, ऑप्शन नंबर सी बल इनटू वेग, या ऑप्शन नंबर डी बल बाय समय। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि आवेग को व्यक्त कैसे करते हैं, ठीक है ना, किसे करते हैं, तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। तो देखिए आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बल इनटू समय, ठीक है ना, बल इनटू समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। न्यूटन की गति का दूसरा नियम निम्न में किससे संबंध है। देखिए न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, और सभी को आई होप कि सभी को याद होगा, ठीक है ना, आई थिंक सभी को।
चले क्वेश्चन 25। न्यूटन की गति का दूसरा नियम निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए न्यूटन के तीन नियम थे, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आई थिंक सभी को याद होगा, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखाने वाला हूँ और ये मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन से दिखा दूँ और मैं आप लोगों को बार बार बता दूँ कि 240 क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा दूँ कि न्यूटन के सेकेंड यानी दूसरा गति, ठीक है ना, दूसरा नियम, दूसरा सेकेंड लॉ, ठीक है। चलिए पहला है संवेग व वेग, ऑप्शन नंबर बी, संवेग व त्वरण, ऑप्शन नंबर सी बल व संवेग के परिवर्तन की दर, या ऑप्शन नंबर डी संवेग के परिवर्तन की दर। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, 25 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बल व संवेग के परिवर्तन की दर, ठीक है ना। न्यूटन का ये क्या है, ये सेकेंड लॉ है, ठीक है ना, सेकेंड लॉ है न्यूटन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12 किलो का बम विस्फोट के पश्चात 8 किलो व 4 किलो के दो टुकड़े में विभाजित हो जाता है। 12 किलो का है और जब ये विस्फोट होता है तो दो पार्ट में बट जाते हैं, ठीक है ना। पहला बनता है 8 किलो, दूसरा बनता है 4 किलो, तो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो यदि 8 किलो के टुकड़े का वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड है तो दूसरे का वेग क्या होगा? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, ठीक है ना, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ए 3 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 12 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी -12 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन नंबर डी -3 मीटर प्रति सेकेंड। तो जल्दी से आप लोग आंसर दें, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमा करने वाले उपग्रह की गति क्या है? ऑप्शन है मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की तरह होती है, ऑप्शन नंबर बी आंशिक रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की तरह होती है, या ऑप्शन नंबर सी वायुयान की गति के समान होती है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों प्रकार की गति संभव होती है। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमा करने वाले उपग्रह की गति क्या है? तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की तरह होती है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व अघूर्ण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो आपके ऑप्शन है ए वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी घूर्णन अक्ष की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वस्तु के द्रव्यमान का वितरण, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, जड़त्व अघूर्ण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए वस्तु का द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट, जड़त्व अघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण बराबर है किसके? ऑप्शन नंबर ए बल अघूर्ण, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी कोणीय संवेग, या ऑप्शन नंबर डी किया गया कार्य। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि जड़त्व अघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण किसके बराबर है? तो सभी को पता है बल अघूर्ण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग है ऑप्शन नंबर ए संहित इंटू वेग, ऑप्शन नंबर बी जड़त्व अघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर सी जड़त्व अघूर्ण इंटू कोणीय संवेग, या ऑप्शन नंबर डी वेग इंटू समय। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, कोणीय संवेग है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी जड़त्व अघूर्ण इंटू कोणीय संवेग। मैं आप लोगों को बता दूं ये ICG, ठीक है ना, ICG इंडियन नाविक GD के लिए, ठीक है ना, नाविक GD के लिए, ठीक है ना, जो सेकेंड सेशन में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके लिए, और नेवी, ठीक है ना, नेवी मेडिकल असिस्टेंट के लिए, जो फिजिक्स के आप लोग के जो सिलेबस दिए गए हैं उनके लिए, दोनों के लिए ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रामबाण है, ठीक है ना, आप लोगों के फिजिक्स के रामबाण है, जो कि मैं ये इस तरीके से डेली आप लोगों को महामैराथन कराने वाला हूँ 200 के, ठीक है ना। तो मेडिकल असिस्टेंट, नेवी मेडिकल असिस्टेंट के भी कैंडिडेट इस वीडियो को ले सकते हैं, ठीक है ना, और ICG वाले तो भाई उनको तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्यरत बल एक समान है तो निम्न में से
कौन सी राशि अपवर्तित रहती है? आपके ऑप्शन है ए चाल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी संवेग या ऑप्शन डी त्वरण। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे 31 का। जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल एक समान हो तो निम्न में से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है? तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी त्वरण, ठीक है ना। और जल्दी से आप लोग होमवर्क में आप लोगों को बता रहा हूँ, या तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे त्वरण अदिश राशि है या सदिश राशि है, जल्दी से आप लोग बताएं, ठीक है। नेक्स्ट थर्टी टू, यदि पृथ्वी सिकुड़कर वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो परंतु द्रव्यमान स्थिर रहे तो एक दिन में घंटे कितने होंगे? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 6 या ऑप्शन नंबर डी 48। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि यदि पृथ्वी सिकुड़कर वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए, ठीक है ना, त्रिज्या की आधी रह जाए तो परंतु द्रव्यमान स्थिर रहे, ठीक है ना, द्रव्यमान उसका स्थिर रहे यानी वजन, ठीक है ना, तो एक दिन में घंटे फिर कितने होंगे? तो देखिए एक दिन में घंटे कितने हो जाएंगे 6, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी यानी 6 रहे यानी 6 घंटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोड पर सड़कों का बाहें किनारा उठा हुआ रखते हैं क्योंकि, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए ये आप लोगों के रास्ता है, ठीक है ना, ये देखिए ये आप लोगों के सड़क है, लेकिन ये जो आप लोगों का ये यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ से आप लोगों का टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ से जो इस तरीके से जो यहाँ से जो आप लोगों का ये उठा हुआ रहता है, ठीक है ना, ये उठा हुआ रहता है क्यों? तो आप लोगों के ऑप्शन है ए अभिकेंद्रिक बल प्रदान करने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्रिक बल प्रदान करने के लिए, या ऑप्शन सी सड़क साफ दिखने के लिए, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी आने वाले वाहनों को देखने के लिए। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे कि मोड़ पर सड़कों का बाहें किनारा उठा हुआ रहता है क्योंकि, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि अपकेंद्रिक बल प्रदान करने के लिए क्योंकि देखिए जब यहाँ से गाड़ी जब जाएगी, देखिए यहाँ से गाड़ी जाएगी जब वो टर्न करेगा, ठीक है ना, टर्न करेगा तो देखिए रास्ता उठा हुआ रहता है तो यहाँ से आसानी से वो क्या होगा, यहाँ एक्सीडेंट होने का संभावना बहुत ही चांस बहुत ही कम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड में रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से ये सड़क उठा हुआ रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए 34, ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति में स्थिर रहता है, आपके ऑप्शन है ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी रेखीय चाल, ऑप्शन सी अपकेंद्रिक त्वरण या ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति में स्थिर रहता है आपके कौन से, तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, तो देखिए 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग। चलिए नेक्स्ट, पूरे 240 क्वेश्चन करने वाले हम लोग, ठीक है ना। चलिए, एक उपग्रह जो पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो इसकी गति सबसे अधिक होगी जब वह, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के नजदीक होगा या ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी से दूर रहेगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, देखिए और ऑप्शंस में आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है। जब वह ग्रीनविच रेखा के नजदीक होगा या ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा के पास होगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि एक उपग्रह जो पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो इसकी गति सबसे अधिक होगी कब, जब वह पृथ्वी के नजदीक होगा, ठीक है ना, जब वह पृथ्वी के नजदीक होगा। चलिए नेक्स्ट, साइकिल के घूमते हुए पहिए में गति होता है, ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी रेखीय, ऑप्शन सी वर्तुल गति या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साइकिल के घूमते हुए पहिए में क्या होता है, जल्दी से ऑप्शन देंगे, तो क्या होता है साइकिल में, घूर्णन यानी घूर्णन गति, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल के पहिए में तड़ियां लगाई जाती हैं क्योंकि ये जो तड़िया जो आप लोग समझ रहे हैं ये जो तारे हैं, ठीक है ना, तड़ियां, ठीक है ना, कि साइकिल के पहिए में तड़ियां लगाई जाती हैं क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए कम बल से अधिक घूर्णन गति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सुंदरता के लिए, ऑप्शन नंबर सी
कीमत कम करने के लिए या ऑप्शन डी साइकिल का भार कम रखने के लिए। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, देखिए ये तीनों तो होगा ही नहीं, आपके ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कम बल से अधिक घूर्णन गति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये 25 क्वेश्चन जो कि ये फिजिक्स के हैं, और अब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही सिलेबस को मैं सेंड कर चुका हूं कि कौन कौन सा मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है ना, जो कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड सेकेंड सेशन में, ठीक है ना। तो मैं पहले ही सिलेबस आप लोगों को सेंड कर चुका हूं, उसी में से आप लोगों के 200 क्वेश्चन डेली, ये तो आज मैं 240 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, और मैं डेली आप लोगों को 200 क्वेश्चन इसी तरीके से महामैराथन कराने वाला हूं। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर ये आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये 25 क्वेश्चन आप लोगों के कहीं नहीं जाएंगे। और आप सभी को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड फर्स्ट और सेकेंड दो सेशन में एग्जाम होते हैं, जो कि फर्स्ट सेशन डीवी के होते हैं, ठीक है ना, और वो उसका लेवल आप लोगों को पता है 60 क्वेश्चन में से अधिकतर बच्चा 50 प्लस मार कराता है, लेकिन मेरिट जीडी के लिए आप लोगों की यही 50 क्वेश्चन से बनते हैं, जो कि 25 फिजिक्स के एंड 25 मैथ के रहते हैं, तो ये आप लोगों के मेरिट यही बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 38, तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन है ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है। तो देखिए यह है तीसरा, ठीक है ना, क्या है तीसरा, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों से ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों से ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए जेट विमान निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ये जहाज होती हैं, ये जो जहाजें होती हैं, ठीक है ना, ये जो जहाजें होती हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों के ऑप्शन है ए गति के तीसरे नियम, ऑप्शन नंबर बी रेखीय संवेग, ऑप्शन नंबर सी प्रोनोपद, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, देखिए जेट विमान गति के तीसरे नियम पर भी कार्य करता है, रेखीय संवेग पर भी कार्य करता है, और प्रोनोद पर भी, और तब ये क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ठीक है ना, ये सभी। अगर देखिए ये सब कोई ना दिया हो और रेखीय संवेग दिया हो, तो ये रेखीय संवेग ज़्यादातर, देखिए ये ज़्यादातर क्वेश्चन अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो ये सब, ये चौथा ऑप्शन कम देखने को मिलता है, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन कम देखने को मिलता है, इसके आंसर हमेशा रेखीय संवेग संरक्षण ये ऑप्शन में रहते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसकी परिभाषा को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी गति, ऑप्शन नंबर सी त्वरण, या ऑप्शन नंबर डी संवेग। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, न्यूटन का गति का दूसरा यानी सेकेंड लॉ, जस्ट मैंने पीछे क्वेश्चन बता चुका हूं, तो सेकेंड लॉ किस पर कार्य करता है, बल पर भाई, क्योंकि पिछला ही क्वेश्चन में बता चुका हूं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 41, एक समान वृत्तीय गति में क्या रहता है। ऑप्शन नंबर ए वेग व त्वरण स्थिर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी त्वरण व चाल स्थिर होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी त्वरण व वेग परिवर्तित होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी चाल व त्वरण स्थिर होते हैं परंतु वेग परिवर्तन होता है, ठीक है ना, परिवर्तित होता है। तो जल्दी से 41 का आंसर आप लोग जल्दी से देंगे, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी त्वरण व वेग परिवर्तित होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 50 क्वेश्चन पे आने ही वाले हम लोग, ठीक है ना। जब कोई वस्तु स्थिर चाल से वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इस पर बल कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका वेग स्थिर रहता है। तो 42 का जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, 42 को जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, ठीक है ना, 42 का जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। जब कोई वस्तु स्थिर चाल से वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो क्या होता है, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे।
42 का, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करने वाले हैं क्योंकि 240 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 240 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं ये 25 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के पूछे जाएंगे, मैं ऑलरेडी सिलेबस अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज चुका हूं, तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के महामैराथन कराने वाला हूं, ठीक है ना, महामैराथन में करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो डेली आप लोग सेशन से जुड़े और पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप शर्मा जी कोस्ट गार्ड में ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें ताकि उसका भी भला हो सके, और आप लोग एक लाइक जरूर करें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं कलेक्शन आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 43। जब हम पानी में खड़ी हुई नाव से कूदते हैं तो वह किस खिसकती है। देखिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, न्यूटन के ये न्यूटन के समीकरण पे, देखिए न्यूटन के लॉ पे ये क्वेश्चन आधारित है, ठीक है ना, कि जब हम पानी में खड़ी हुई नाव से कूदते हैं तो वह खिसकती है आगे की ओर, पीछे की ओर, बराबर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग अगर गलत कर देते हैं भाई तो मैं बता रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा खराब लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूं, आप लोग के ICG में मेरिट नहीं बनेंगे फिर, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर गलत देंगे तो, जब हम पानी में खड़ी हुई नाव से कूदते हैं तो वह खिसकते किधर, आगे की ओर खिसकेगी, नहीं पीछे की ओर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान एवं त्वरण दोनों को दोगुना करने पर पिंड पर कार्यरत बल पहले मान की अपेक्षा क्या होगा। तो जल्दी से आंसर देंगे कि ऑप्शन नंबर ए कम होकर आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी समान रहता है, ऑप्शन सी बढ़कर दो गुना हो जाता है, या ऑप्शन डी बढ़कर चार गुना हो जाता है। जल्दी से आंसर देंगे सोल्जर्स कि किसी पिंड के द्रव्यमान एवं त्वरण दोनों को दोगुना करने पर पिंड पर कार्यरत बल पहले मान की अपेक्षा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बढ़कर चार गुना हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़कर चार गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गोली दागने के बाद तो पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है। देखिए आपके ऑप्शन से ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी उत्पन्न गैसों द्वारा लगाए गए पीछे की ओर बल, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन गति का प्रथम नियम। तो जल्दी से आप लोग बताएं, देखिए गोली दागने से पीछे की ओर जो बंदूक होता है, ठीक है ना, ये जो बंदूक होते हैं ठीक है ना, यहाँ से मैं थोड़ा बंदूक मेरा गलत बन गया, मैं बढ़िया से बना रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा बढ़िया बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा थोड़ा बंदूक गलत बन गया, ठीक है ना। चलो ये समझ लीजिए बंदूक यहाँ से बुलेट निकल रहे हैं, आप यहाँ बुलेट को दागेंगे तो ये बैक जाने वाला है, ठीक है ना, ये क्या होता है बैक जाएगा बंदूक, तो किस नियम के आधार पर, तो न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो मैं आप लोगों को जो नाव को बताया था जो कि पीछे की ओर जाता वो भी न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए 46। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसको परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए त्वरण, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग। तो जल्दी से आंसर देंगे, देखिए इसका मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन ये गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम पहले ही क्वेश्चन करा चुका हूँ, बल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं सभी क्वेश्चन में छाट छाट कर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन को मैं छाट कर लेकर आया हूँ कि अगर आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, घुमा कर भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है ना, बाहर नहीं जाएंगे। अगर ये वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग देखते हैं और PDF को रिवाइज कर लेते हैं बढ़िया से, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं पूरे किस तरीके से घुमा कर रखा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को किस तरीके से मैं सेट किया हूँ, ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आप लोग एक लाइक जरूर करें क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन हवा में इसी तरीके से नहीं बन जाता है, क्वेश्चन को छांट कर, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर देखना पड़ता है कि कौन से साल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रैक्टिस सेट उठाकर देखना पड़ता है कि कौन से बार बार क्वेश्चन रिपीट किए गए, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आपसे मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि आप लोग शेयर और एक लाइक जरूर करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
47 एक पत्थर को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, ठीक है ना, ऊपर फेंका जाता है पत्थर को, ठीक है ना, पत्थर को क्या करा जाता है, ऊपर फेंका जाता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, वो कितने ऊंचाई तक जाएगा भाई, आपके ऑप्शन है ए 5 मीटर, ऑप्शन बी 4.9 मीटर, ऑप्शन सी 7.8 मीटर या ऑप्शन डी 9.8 मीटर। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे 47 का, ठीक है ना, कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर को फेंका जाता है तो कितने ऊंचाई तक वो जा सकता है, तो भैया वो जा सकता है 4.9 मीटर तक ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम अवस्था से प्रारंभ होकर एक कार 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो कार का त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 हो जाएगा या ऑप्शन नंबर डी 8 हो जाएगा। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि विराम अवस्था से प्रारंभ होकर एक कार 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो कार का त्वरण मीटर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में आंसर देना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मकान की छत से छोड़ा गया पत्थर एक सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचता है तो मकान की ऊंचाई क्या रही होगी। यहाँ पे जी का मान देखिए यहाँ पे दे चुका है, जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, कि किसी मकान के छत से छोड़ा गया पत्थर सेकंड में पश्चात की दूरी पर पहुंचता तो मकान की ऊंचाई क्या रही होगी। ऑप्शन है ए 9.8 मीटर, ऑप्शन बी 4.6 मीटर या ऑप्शन सी 5 मीटर या ऑप्शन डी 10 मीटर। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि छत की ऊंचाई क्या रही होगी भाई, तो छत की ऊंचाई आधी कर दीजिए, ठीक है ना, 5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए हम लोग हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन यहाँ पे टच कर चुके हैं और अभी हम लोगों का 200 क्वेश्चन बाकी है, हम लोगों का अभी 200 क्वेश्चन पूरे बाकी हैं, तो अभी आप लोग जाएंगे नहीं, 200 क्वेश्चन करके ही जाएंगे और 200 क्वेश्चन का वीडियो देखकर मैं आप लोगों को बता दूँ, फिर पीडीएफ को आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप शर्मा जी कोस्ट गार्ड से वहाँ डाउनलोड कर और उसको रिवाइज करेंगे। अगर इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूँ, इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ दें भाई साहब, मैं आप लोगों को बताता हूँ डियर सोल्जर्स कि क्वेश्चन अगर इसमें से अगर आ गए तो मैं आप लोगों को बता, क्वेश्चन आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरा आप लोगों से 100% वादा है कि वीडियो देख लेने के बाद इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, और क्वेश्चन तो 100% आने का चांस है, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बाहर से क्वेश्चन आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक बंदूक का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा वह 10 ग्राम की गोली दागती है, 10 किलोग्राम का बंदूक है भाई और 10 ग्राम की वो बुलेट है और वो गोली दागती है, तो बंदूक के दागी गोली का वेग 1000 मीटर सेकंड, यानी कितने स्पीड से जा रहा है, यानी 1000 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप का वेग मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा भैया। तो ऑप्शन नंबर ए वो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा या ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा या ऑप्शन नंबर डी 10 हो जाएगा। डियर सोल्जर्स जल्दी से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना, जल्दी से क्वेश्चन को बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर ए 1, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौदह सौ किलोग्राम द्रव्यमान वाली कार पर 4200 न्यूटन बल आरोपित करने पर उत्पन्न त्वरण का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, ठीक है ना। 1400 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कार पर 4200 न्यूटन बल आरोपित करने पर उत्पन्न त्वरण का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएंगे, ठीक है ना, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का संवेग 150 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड से है तो वस्तु का वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1500, ऑप्शन नंबर बी 1.5 या ऑप्शन नंबर सी 15 या ऑप्शन नंबर डी 1/15। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का संवेग 150 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो वस्तु का वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में 15 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा युग्मज गलत है? ऑप्शन नंबर ए एक कैलोरी इजकल टू 4.2 जूल, ऑप्शन नंबर बी एक एंगस्ट्रॉम इजकल टू 10^-10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी एक ग्राम बल इजकल टू 980 डाइन, या ऑप्शन नंबर डी एक जूल इजकल टू 10^5 अर्ग। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि गलत कौन सा, युग्मज कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें से गलत हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी एक जूल इजकल टू 10^5 अर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है तो 5 सेंटीमीटर में इसे विराम अवस्था में लाने के लिए न्यूटन बल की आवश्यकता कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 3.5 या ऑप्शन नंबर डी 4। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 2 किलोग्राम की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है तो 5 सेकंड में इसे विराम अवस्था में लाने के लिए न्यूटन बल की आवश्यकता क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस में मौत का खेल दिखाने के लिए मोटरसाइकिल सवार को 20 मीटर तिरजा के ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ पर मोटरसाइकिल चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग मीटर प्रति सेकंड में बताएं। जो मौत के कुआं, तो आप लोग मेला में गए होंगे तो आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है ना, जो कि जो बाइक चलती है, ठीक है ना, ये जो बाइक चलती है, जो कि आप लोग की बाइक चलती है, उसी के आधार पर क्वेश्चन है कि सर्कस में मौत का खेल दिखाने के लिए मोटरसाइकिल सवार को 20 मीटर तिरजा के ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ पर मोटरसाइकिल चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होना चाहिए? तो आप लोग जल्दी से आंसर देंगे, ऑप्शंस हैं ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 16। तो आप लोग ये ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 14, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 45 मीटर ऊंची इमारत से एक पत्थर छोड़ा गया है, अंतिम सेकंड में चली दूरी, जी का देखिए यहाँ पे मान भी दे दिया है, तो आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं कि एक 45 मीटर ऊंची इमारत से एक पत्थर छोड़ा गया है और अंतिम सेकंड में चली हुई दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर या ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो प्रथम सेकंड में दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ पे भी जी का मान दे दिया गया है, ठीक है ना, देखिए जी का मान दे दिया गया। देखिए सेकंड फेज में जो आप लोगों का सेकंड सेशन होता है, न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो प्रथम सेकंड में दूरी तय करेगा। आपके ऑप्शन हैं ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर या ऑप्शन सी 10 मीटर या ऑप्शन डी 15 मीटर। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, देखिए इस क्वेश्चन के भी आंसर हो जाएगा 25 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 980 मीटर की ऊंचाई पर 220 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए एक वायुयान के एक बम गिराया जाता है तो बम पृथ्वी पर कितने समय बाद टकराएगा? आपके ऑप्शन है ए 1 सेकंड, ऑप्शन बी 7.2 सेकंड या ऑप्शन सी 14.15 सेकंड या ऑप्शन सी 0.15 सेकंड। जल्दी से आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितने मिनट, कितने सेकंड बाद, यानी कितने मिनट बाद या कितने समय बाद वो टकराने वाला है? जल्दी से आप लोग आंसर देंगे तो आपके आंसर हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14.15 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक है, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर या ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आईसीजी, ठीक है ना, मैं आप लोग फिर से बता दूं, आईसीजी और नेवी, आईसीजी नाविक जीडी और नेवी मेडिकल असिस्टेंट, जो कि आप लोगों के
फिजिक्स के ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, रामबाण रहने वाले हैं, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के कैंडिडेट इस वीडियो को तो उनको देखना ही देखना है। और ये मैं इस क्वेश्चन को जो सेट किया हूँ, नेवी मेडिकल असिस्टेंट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सेट किया हूँ कि उनके लिए ये रामबाण साबित है, ठीक है ना। तो मेडिकल असिस्टेंट वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन 240 क्वेश्चन का महामैराथन जो चल रहे हैं, जो कि आप लोगों की ये क्लास 3 घंटे तक चलेंगे, ठीक है ना। ये क्लास आप लोगों के पूरे 3 घंटे तक चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले वीडियो को देखें, और इसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप शर्मा जी कोस्ट गार्ड में दिया गया, और फिर उसके बाद पीडीएफ से क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन फिर आप लोग एग्जाम देने जाइए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं। ये नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहा था, मैं क्वेश्चन भूल गया, तो ऐसा आपसे नहीं होगा। पहले वीडियो को देखें, फिर क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, मेरा आपसे वादा है कि क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। 59 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग, वेग यानी वी व समय यानी टी, यानी वेग वी से दर्शाया जाता है, समय आपका टी से दर्शाया जाता है, ठीक है ना, के मध्य ग्राफ खींचने पर सरल रेखा किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए एक समान त्वरण, ऑप्शन नंबर बी वेग, या ऑप्शन नंबर सी दूरी, और या ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। वेग यानी वी, समय टी के माध्यम यानी माध्य से ग्राफ खींचने पर सरल रेखा किसको प्रदर्शित करता है, तो आपके आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए एक समान त्वरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है एक बल 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी, देखिए जी का मान दे दिया गया, आपके ऑप्शन है 10 मीटर, ऑप्शन बी 28 मीटर, ठीक है ना, और ऑप्शन सी 5 मीटर, या ऑप्शन डी 20 मीटर। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। 61 का क्या होगा कि एक बल जो कि 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन ने किस फल को वृक्ष पर से पृथ्वी पर गिरता देख गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया था, ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी संतरा, या ऑप्शन नंबर डी अनारस। ये अधिकतर बच्चे को पता रहता है, न्यूटन ने किस फल को वृक्ष पर से पृथ्वी पर गिरते देख गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया था, तो सभी आंसर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 63, यदि पृथ्वी सूर्य से वर्तमान दूरी की अपेक्षा 3 गुना अधिक दूरी पर स्थित हो तो पृथ्वी पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ऑप्शन ए वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का 3 गुना होगा, या ऑप्शन बी वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का 4 गुना होगा, या ऑप्शन सी वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का 2 गुना होगा, या ऑप्शन डी वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का 1/9 भाग होगा। जल्दी से आंसर देंगे, और ये बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 63 का आंसर देंगे कि यदि पृथ्वी सूर्य से वर्तमान दूरी की अपेक्षा 3 गुना अधिक दूरी पर स्थित है तो पृथ्वी पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का 2 गुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, आप सभी को पता है कि ये सूर्य है, ठीक है ना, ये क्या है सूर्य, और पृथ्वी क्या करता है सूर्य का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है भैया, तो चंद्रमा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार पहले की अपेक्षा क्या होगा, देखिए ये सूर्य हो गया, ठीक है,
ये सूर्य हो गया, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है अपने अक्ष पर? पृथ्वी। और यही घूमना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं, अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी कम हो जाएगा, या ऑप्शन सी अधिक हो जाएगा, या ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। जल्दी से आंसर देंगे। तो देखिए, सभी को पता है भैया, ये जब अपने अक्ष पर बंद कर देगा, ये यानी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगा, तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार क्या हो जाएगा भैया? अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर सोल्जर्स, मैं आप लोग बता दूं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है ना, वीडियो आप लोगों को, देखिए बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया जाता है। और क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए 65 तक मैं क्वेश्चन करा दिया हूं, और 200 अभी पूरे 240 क्वेश्चन, और इसी तरीके से डेली में 200 क्वेश्चन का मैराथन लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख ही चुके होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन का मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना, एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, कर भला तो हो भला, ठीक है ना। तो अगर आप किसी का भला सोचेंगे तो आपका भी जरूर भला होगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर करें, मत सोचिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, एक कण अचर त्वरण से तीसरे सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करता है, एवं पांचवें सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करता है, तो कण का त्वरण क्या होगा? तो नेक्स्ट, चलिए ऑप्शंस हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन सी 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि एक कण अचर त्वरण से तीसरे सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करता है, और वहीं पे पांचवें सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो दूरी तय करता है तो कण का त्वरण क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कब होता है? चलिए, आपके ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर, और ऑप्शन बी पृथ्वी रेखा पर, या ऑप्शन सी ध्रुव पर, या ऑप्शन डी एवरेस्ट की चोटी पर। तो जल्दी से बताएं, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कब होता है, यानी सॉरी कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, या ध्रुव पर, या एवरेस्ट की चोटी पर। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। तो भाई, आप सभी को पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है, सभी को पता है कि ध्रुव पर होता है, ठीक है ना। चलिए 67, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 100 किलोग्राम है, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर वस्तु का भार क्या होगा? ऑप्शन है 25 किलोग्राम, ऑप्शन बी 50 किलोग्राम, या ऑप्शन सी 10 किलोग्राम, या ऑप्शन डी शून्य। तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वस्तु का भार कितना होगा? भाई 25 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। है, किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? ऑप्शन ए वही रहेगा, ऑप्शन बी शून्य हो जाएगा, या ऑप्शन सी बढ़ जाएगा, या ऑप्शन डी कुछ कम हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका भार क्या रहेगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? शून्य यानी जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पिंड के मध्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए, और पिंडों का द्रव्यमान यानी इनका वेट यानी वजन, ठीक है ना, दोगुना कर दिया जाए, तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा क्या होगा? आपके ऑप्शन है आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी उतना ही रहेगा, या ऑप्शन सी दोगुना हो जाएगा, या ऑप्शन डी चार गुना हो जाएगा। तो डियर सोल्जर्स, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन पूरे 240 है, थोड़ा हम लोग फास्ट चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। है, एक पिंड को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, इसके पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग लगेगा समय कितना? देखिए, मान दे दिया यहां पर, आपके ऑप्शन है 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 15 सेकेंड, या ऑप्शन डी
5 सेकेंड, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, ठीक है, आप जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि एक पिंड को 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो इसके पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग समय कितना लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, एक मीनार की चोटी से शून्य वेग से छोड़ा गया एक पत्थर, ये देखिए एक मीनार हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से एक पत्थर छोड़ा जा रहा है पृथ्वी पर यानी जमीन पर, 4 सेकेंड में पहुँचता है, समय कितना ले रहा है, 4 सेकेंड, ठीक है। तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितने भाई, इसका हाइट कितना है, ठीक है ना, तो 20 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर, ऑप्शन सी 80 मीटर या ऑप्शन डी 160 मीटर। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, तो इसका देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 मीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में ए त्वरण ऊपर की ओर चल रही है, इसमें यात्रा कर रहे एम द्रव्यमान की यात्रा द्वारा लिफ्ट के फर्श पर बल लगेगा, ऑप्शन ए एम ए, ऑप्शन बी एम जी, ऑप्शन सी एम जी माइनस एम ए, ऑप्शन डी एम जी प्लस एम ए। जल्दी से आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि एक लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर चल रही है, कोई लिफ्ट है, ठीक है, ऊपर चल रही है, ठीक है, और इसमें यात्रा कर रहे हैं कोई व्यक्ति एम द्रव्यमान यानी इसका वेट यानी वजन, यात्री द्वारा लिफ्ट के फर्श पर कितना बल लगेगा, तो ऑप्शन डी एम जी प्लस एम ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकती हुई एक स्प्रिंग तुलना में, यानी एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, आप लोगों को मैं बता दूं कि एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, एक स्प्रिंग है जो कि वायु में लटकी हुई है, ठीक है ना, कि एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकती हुई एक स्प्रिंग तुलना में एक तोता बैठा हुआ है, ठीक है ना, इस पे तोता लो बैठा देता हूँ, देखिए एक तोता में बैठा दिया, देखिए तोता समझ लीजिए, ठीक है, हैं, तोता उड़ना आरंभ करता है तो स्प्रिंग की तुलना में पाठ यानी स्प्रिंग कितना यानी मूव करेगा, ठीक है ना, यानी वृद्धि होगी स्प्रिंग में, ये जो क्या होगा मूव जो करेगा जो कंपन होगा स्प्रिंग में वो क्या होगा, वृद्धि होगा या कमी होगी या परिवर्तन नहीं होगा या शून्य होगा, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और अधिकतर ये पूछे जाने वाले प्रश्न, मैं आप लोगों को बता दूं 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर एक बड़ा वाला जी का मान और एक छोटा वाला जी का मान अधिकतर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह पर या ऑप्शन सी पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई पर या ऑप्शन डी सतह से 100 मीटर की गहराई पर। तो जल्दी से आंसर देंगे कि छोटा जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, ये पृथ्वी की सतह पर, अधिकतर बच्चा इसको रटी जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह पर, तो यहाँ पे भी आप लोग रटी जाइए इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान, चलिए जी का मान तो पृथ्वी की सतह पर अधिक होता है और जी का मान इसमें से क्या होगा, जल्दी से बताएं, ऑप्शन नंबर ए जी एम बाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी जी आर स्क्वायर बाई एम, ऑप्शन सी जी एम बाई आर, ऑप्शन डी जी एम बाई डी। जल्दी से आंसर देंगे 75 का कि जी का मान क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन के लेवल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्वेश्चन का लेवल आप देख के समझ ही चुके होंगे कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ठीक है ना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से फिजिक्स के क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएंगे, पहले ही सिलेबस क्या आप लोगों के आने वाले हैं सेकेंड सेशन के, पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज चुका हूं, उसी के आधार पर मैं डेली 200 क्वेश्चन का मैराथन कराने वाला हूं, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, और डेली आप लोग सेशन से जुड़ें और आप लोगों को पीडीएफ शर्मा जी कोस्ट गार्ड टेलीग्राम में जुड़े और वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग पीडीएफ को जरूर वहां के क्वेश्चन आप लोग जरूर रिवाइज करें, ठीक है ना, वीडियो देखें उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए शून्य रहेगा, ऑप्शन नंबर बी संहित के बराबर या ऑप्शन नंबर सी
सहित से आधा या ऑप्शन नंबर डी सहित से दुगना। चलिए जल्दी से आंसर देंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार क्या होता है, भाई शून्य होता है, सभी को पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के बीचों बीच छेद कर दिया जाए, ठीक है ना, पृथ्वी के बीचों बीच छेद कर दिया जाए और उसमें एक लोहे का गोला डाल दिया जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए दोलायमान गति करेगा, ऑप्शन बी केंद्र पर रुक जाएगा, या ऑप्शन सी दूरी तरफ से अंतरिक्ष में चला जाएगा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोलायमान गति करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी दोगुनी कर दी जाए, ठीक है ना, यदि पृथ्वी और सूर्य की बीच की जो दूरी है, ठीक है ना, दोगुनी कर दी जाए तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण क्या रहेगा, इनके बीच के मध्य गुरुत्वाकर्षण क्या रहेगा, पहले जितना रहेगा, ऑप्शन बी दो गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी आधा हो जाएगा, या ऑप्शन डी चौथाई यानी 1/4 हो जाएगा। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 1/4 यानी चौथाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 48 किलो है, यानी पृथ्वी पर भाई 48 किलो है इसका भार, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर है या किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकर आया हूं, तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि एक लाइक वीडियो को जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए तो आपके ऑप्शंस हैं ए 29 किलोग्राम हो जाएंगे चंद्रमा पर, या ऑप्शन नंबर बी 12 किलोग्राम हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी 8 किलोग्राम हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी 6 किलोग्राम हो जाएगा। तो जल्दी आप आंसर देंगे कि यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 48 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 8 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8 किलोग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 50 मीटर प्रति सेकेंड से फेंकी गई तो वापसी में प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए 50 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन सी 100 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 50 मीटर प्रति सेकेंड से फेंकी गई है तो वापसी में, यानी जब वो ऊपर जा रहा है, यानी जो वस्तु फेंकी गई तो जो वापिस आ रहा है, ठीक है ना, ये जो वापिस आ रहा है तो प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग कितना हो जाएगा, तो भाई उसका 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना, उतना ही की वेग से वापिस आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है एक गेंद 19.6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, ठीक है ना, तो आने व जाने का कुल समय कितना लगेगा। देखिए पहले पूछा गया था कि जब फेंका जा रहा है, ठीक है ना, और फिर आ रहा है कितने सेकेंड में, तो जितने में फेंका जाएगा उतने में वापिस आएगा, ठीक है। और ये क्या पूछ रहा है कि एक गेंद 19.6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है तो ये जाने का और आने का समय दोनों का कितना होगा। तो आपके ऑप्शन है 4 सेकेंड, आपके ऑप्शन है 6 सेकेंड, ऑप्शन सी 2 सेकेंड, या ऑप्शन डी 3 सेकेंड। तो जल्दी से आंसर देंगे तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है एक रॉकेट का पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर जाने के लिए न्यूनतम पलायन वेग क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी
10.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि एक रॉकेट का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर जाने के लिए न्यूनतम पलायन वेग कितना होगा। जल्दी से आंसर आप लोग देंगे 82 का। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 83। समान त्रिज्या की लोहे की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में यानी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो दोनों गेंद द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, एक समान होगा सॉरी असमान होगा या समान होगा या लगभग समान रहेगा या शून्य होगा। और देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से किस तरीके से पूछता है कि एक लोहे की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद और छत से दोनों को एक ही समान ऊंचाई से और एक ही त्वरण से आप लोगों को एक ही वेग से आप लोगों को गिराया जाता है, तो सबसे पहले कौन सी गेंद पहुंचेगी पृथ्वी पर, लोहे की या लकड़ी की। इस तरीके से भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगी दोनों एक समान ही पहुंचेगी, ठीक है ना। तो देखिए 83 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समान रूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। जब कोई मनुष्य उपग्रह में बैठकर परिक्रमा कर रहा है तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान शून्य तथा भार स्थिर रहेगा। ये ऑप्शन बी, उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा भार शून्य हो जाता है। ऑप्शन सी, उसका द्रव्यमान व भार दोनों में स्थिर रहते हैं। या ऑप्शन डी, उसका द्रव्यमान व भार दोनों शून्य रहते हैं। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे सॉरी तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा भार शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ कृत्रिम उपग्रह भरहीन होता है क्योंकि। ऑप्शन है, उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वीय बल अपकेंद्रिक बल के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर व विपरीत होता है। या ऑप्शन नंबर डी, उपग्रह के समान ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे 85 का आंसर क्या होगा, कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ कृत्रिम उपग्रह भरहीन होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अपकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पिंड के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये करा चुका हूं, आपके ऑप्शन हैं 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, या ऑप्शन सी आधा, या ऑप्शन डी 1/4। तो जल्दी से आप लोग आंसर देखिए, पहले ही इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आना चाहिए 1/4, आपका आंसर आना चाहिए 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रह के निकट किसी उपग्रह का अपनी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण काल निर्भर नहीं करता है क्योंकि, ग्रह के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी ग्रह की त्रिज्या पर, ऑप्शन नंबर सी उपग्रह के द्रव्यमान पर, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह का अपनी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा काल निर्भर नहीं करता है, आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए ग्रह के द्रव्यमान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, आपके ऑप्शन से है केवल छोटी वस्तु पर, ऑप्शन बी केवल ग्रहों पर, या ऑप्शन सी छोटी व बड़ी वस्तु दोनों पर, या ऑप्शन सी केवल सौरमंडल के लिए वैध। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है ऑप्शन नंबर सी छोटी व बड़ी वस्तुओं पर दोनों पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि सूर्य की पृथ्वी से दूरी वर्तमान दूरी से एक चौथाई रह जाए तो वर्ष की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान वर्ष की आधी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी वर्तमान वर्ष का सातवां भाग, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान वर्ष का आठवां भाग, या ऑप्शन नंबर डी वर्तमान वर्ष का छठा भाग। तो जल्दी से आंसर देंगे 89 का, कि यदि सूर्य की पृथ्वी से दूरी वर्तमान दूरी से एक चौथाई रह जाए तो वर्ष की लंबाई क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी वर्तमान वर्ष का आठवां भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह के क्षेत्रीय वेग की स्थिरता से संबंधित कैपलर का द्वितीय नियम, ये इंपॉर्टेंट है, कैपलर का इंपॉर्टेंट है, किसके संरक्षण के नियम का निष्कर्ष करता है? आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा, ऑप्शन बी कोणीय संवेग, ऑप्शन सी रेखीय संवेग, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, तो देखिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं कि कोणीय वेग बताएं कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हवा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बादलों द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। डियर सोल्जर्स मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि हम लोग पूरे क्वेश्चन 240 करने वाले हैं, ठीक है ना, 240 करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और यह इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट के लिए रामबाण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये उनके लिए इनफ क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सिलेबस के पीडीएफ क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज चुका हूं, तो उसी के माध्यम से मैं 200 क्वेश्चन का डेली मैराथन कराने वाला हूं, और एग्जाम तक आप लोगों को इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि फिजिक्स के 25 क्वेश्चन से मैं आप लोगों को ये वादा दिला देता हूं कि आप लोग 20 प्लस ही कर कर आएंगे, और 20 प्लस ही क्वेश्चन आप लोग 100% कर कर आएंगे, मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। तो आप लोग डेली मेरे सेशन से जुड़ें, और आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप मेरे टेलीग्राम ग्रुप शर्मा जी कोस्ट गार्ड में मिलेंगे, और वीडियो को देखने के बाद आप लोग पीडीएफ को रिवाइज करें और आप लोग एग्जाम देने जाएं, 100% आप लोग क्वेश्चन कर कर ही आएंगे। चलिए 91 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण द्वारा, यानी पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वजन तौलने वाली मशीन एक लिफ्ट में रखी गई है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है, निम्न में से किस वस्तु अवस्था में तुला मशीन सबसे कम वजन बताएगी? तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं समान गति से ऊपर जाते समय, ऑप्शन बी समान त्वरण से नीचे जाते समय, ऑप्शन सी समान त्वरण से ऊपर जाते समय, या ऑप्शन डी लिफ्ट खराब होने के कारण मुक्त अवस्था में नीचे गिरते समय। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि एक वजन तौलने वाली मशीन एक लिफ्ट में रखी गई है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है, निम्न में से किस अवस्था में तुला मशीन सबसे कम वजन बताएगी? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, लिफ्ट खराब होने के कारण मुक्त अवस्था में नीचे गिरते समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डोरी जो एक घिरनी पर गुजरती है, ठीक है ना, एक डोरी जो घिरनी पर गुजरती है के दोनों सिरों पर क्रमशः 40 ग्राम और 50 ग्राम के दो भार लटके हैं, यदि निकाय प्रथम 2 सेकेंड में 2.8 मीटर चलें तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ए 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ऊंचाई बताइए जिस पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा 20% अधिक हो, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो आपके ऑप्शन है ए 6400 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी
6000 किलोमीटर प्रति घंटा, या ऑप्शन सी 5000 किलोमीटर प्रति घंटा, या ऑप्शन डी 4000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊंचाई बताइए जिस पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा 25% अधिक हो। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 6400 किलोमीटर प्रति घंटा, या ऑप्शन बी 6400 किलोमीटर, या सॉरी ऑप्शन बी 6000 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 5000 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 4000 किलोमीटर। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6400 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर 8 किलोमीटर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कितने प्रतिशत कमी होगी, जबकि पृथ्वी के त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। ठीक है ना। आपके ऑप्शन है 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5%, या ऑप्शन डी 20%। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे 95 का, पृथ्वी के अंदर 8 किलोमीटर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कितने प्रतिशत कमी होगी, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो जल्दी से आंसर देंगे 95 का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड 96 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रक्षेपित गति से ऊपर जाती है, तो अधिकतम ऊंचाई होगी। आपसे ऑप्शन है 500 मीटर, ऑप्शन बी 470 मीटर, या ऑप्शन सी 400 मीटर, या ऑप्शन डी 360 मीटर। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 470 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो स्थित ऊर्जा के मान में परिवर्तित होगा क्या, अधिक ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ेगी, ऑप्शन बी कोई अंतर नहीं रहेगा, या ऑप्शन सी ऊंचाई बढ़ने पर घटेगी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का ऊपर जाती लिफ्ट में भार 713 न्यूटन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड में आए हुए प्रश्न। एक मनुष्य का ऊपर जाती लिफ्ट में भार 713 न्यूटन एवं नीचे आती लिफ्ट में उसका भार 463 न्यूटन है, तो उसका वास्तविक भार क्या होगा। ऑप्शन है 500 न्यूटन, ऑप्शन बी 250 न्यूटन, या ऑप्शन सी 588 न्यूटन, या ऑप्शन डी 713 न्यूटन। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे 98 का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 588 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 500 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो कार का अपकेंद्रिक त्वरण क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन सी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं पूरे 240 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अभी पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है ना, अभी पूरे 150 क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, देखिए 99 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए पूरे सेंचुरी लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन, 0.5 मीटर लंबी की रस्सी से बांधा हुआ 0.5 किलोग्राम भार का एक पत्थर ऊर्ध्वाधर तल से वृत्ताकार मार्ग पर घुमाया जा रहा है, तो वृत्ताकार वृत्त के नियतम बिंदु पर रस्सी में तनाव 45 न्यूटन है, यदि वेग की दिशा ऊपर होने के क्षण रस्सी टूट जाती है तो पत्थर की कितनी ऊंचाई जाएगा, तो पत्थर कितना ऊंचाई जाएगा। आपके ऑप्शन है ए 2 मीटर, ऑप्शन सी बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 4 मीटर, या ऑप्शन डी 5 मीटर। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि 0.5 मीटर लंबी की रस्सी से बांधा हुआ 0.5 किलोग्राम का भार का एक पत्थर ऊर्ध्वाधर तल के वृत्ताकार से गोल गोल घुमाया जा रहा है और उस पर फोर्स कितना लग रहा है 45 न्यूटन की, तो वो अगर रस्सी टूट जाती है तो जो पत्थर है कितने हाइट पे यानी कितने ऊंचाई पे जाएगी। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5, तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर। ठीक है ना, आपके आंसर हो जाएंगे 2 मीटर।
तो डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी 150 क्वेश्चन बाकी हैं। प्रथम पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। और ये जो 150 क्वेश्चन है वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जस्ट इसके सेकेंड पार्ट में, ठीक है ना, मैं जिसे अपलोड करूंगा उसके सेकेंड पार्ट में तुरंत ही आधे घंटे में ही मैं वीडियो का सेकेंड पार्ट ही अपलोड करूंगा। तो ये 100 क्वेश्चन देखने के बाद इस वीडियो का सेकेंड पार्ट 150 क्वेश्चन का आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है ना, 150 क्वेश्चन का आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद मैं जो दूसरा वीडियो जो 200 का लेकर आऊँगा, जो कि सिलेबस का फोटो मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम में भेज चुका हूँ, तो जो सेकेंड वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ चुंबकीय क्वेश्चन यानी चुंबकीय पार्ट से, ठीक है ना, चुंबकीय सिलेबस से मैं क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ 200 से क्वेश्चन, पूरे 200 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पूरे हर एक सब्जेक्ट से 200 क्वेश्चन, ठीक है ना, अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, जो कि फिजिक्स के 25 क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी सेकंड सेशन के लिए ये रामबाण रहेंगे, और इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट के लिए तो भाई इनफ ही है, ठीक है ना। तो ये दोनों वीडियो आप दोनों के लिए वीडियो ये इनफ रहेंगे, ठीक है ना, इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट एंड इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए, ठीक है ना। यानी फिजिक्स के जिसमें भी ये प्रश्न आते हैं उनके लिए, हर एक वीडियो के लिए, ये हर एक विभाग के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग मिलते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी वीडियो के सेकंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए